ये भाजपा तो काम मतलब झंडा लिए फिर हो इनके साथ में, ये बहुत बड़े माफिया हैं जो बहुत बड़े बेईमान हैं। भाजपा का प्रचार नहीं करेंगे, बहरहाल जितना होगा कांग्रेस जोन करें या न करें, मैं भाजपा का प्रचार नहीं करें। अगर किसी बैंड के साथ में हाथ लगा दिए गंदे, काट के छोड़ हाथ काट देंगे, क्या याद रखिए आप। बागी मलखान सिंह जी आज प्रियंका गांधी की आम सभा में जाने वाले हैं, हमारे साथ में मलखान सिंह जी हैं। प्रियंका गांधी जी की सभा में पहुंचने वाले हैं, आखिर प्रियंका गांधी मतलब एक राष्ट्रीय महासचिव हैं और अपने एक भारत की एक देश शान है, क्योंकि उनका परिवार पूरा राज्य उसमें राजनीति में ही मारा गया। तो इंदिरा गांधी के समय पे जो 72 में जो मतलब सारे बागियों का समर्पण हुआ, कांग्रेस की एक जो रही के लोगों को बर्बाद नहीं किया, बसाने की कोशिश की, और उसमें 76 में एनडी तिवारी जो यूपी में मुख्यमंत्री थे, उसमें 76 में बटेश्वर में बागियों का समर्पण हुआ। अब उसमें 82 में जब नंबर आया तो वो भी कांग्रेस सरकार थी, अर्जुन सिंह के टाइम पे मैंने समर्पण किया। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जलील करते रहते कि मैं धरती पे कोई डाकुओं को नहीं रहने देंगे, मैंने ये कहा था। अब जब आपको पता है कि 72 में आपकी सरकार नहीं, आपकी 76 में सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश में एमपी में सरकार नहीं, तो डाकू बचा कौन? समर्पण बागियों का 72 से लगा है, 76 से और 82 में हो चुका है, तो आप क्यों फालतू बात करते रहते हैं? और आप अपने डाकुओं को संभालिए। आप मुझे चंबल के डाकू तो एक सिद्धांतवादी है, उन्हें तो अपनी मतलब अपने हक की और अन्याय की लड़ाई लड़ने को तैयार रहते हमेशा। गलत काम चंबल के लोगों ने किया ही नहीं कभी। तो क्या अब कांग्रेस में भी जाने का प्लान है आपका? जैसे आम सभा में जा रहे हैं, जिस तरह से आपको नीतियां कांग्रेस की अच्छी लग रही हैं, बीजेपी सरकार की नहीं लग रही है, तो क्या कांग्रेस भी ज्वाइन? बीजेपी सरकार का क्या है कि बिल्कुल सफाया हो चुका है। बीजेपी सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री के अकेले नहीं, बीजेपी सरकार के जो जितने मंत्री हैं भ्रष्ट हो चुके हैं, और मंत्रियों ने जो भ्रष्ट सारे अधिकारी पूरे देश के, आपको शिवपुरी को देखो, गुना को देखिए, अशोकनगर को देखिए, इनमें तीनों जिले में इतने भ्रष्ट अधिकारी बैठा दिए हैं, और ये सब माँ के बस प्रभारी फलाने बने बैठे हैं, इनने साफ कर दिया बीजेपी को। इसलिए बीजेपी से देख लिया मैंने, लोगों की मदद नहीं हो रही, गरीबों के प्लॉट छीन रहे, गरीबों की जमीन दाब रहे, ये सब बीजेपी वाले, कांग्रेस की शासन तो है नहीं, ये सब काम है बीजेपी का। तो ये अन्याय जब कर रहे हैं तो अन्याय मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपने जो कांग्रेस में हमने समर्पण किया तो मैंने बड़ी भूल की, उसी पार्टी में हमें रहना चाहिए था, भाजपा में प्रचार नहीं करना चाहिए। तो क्या कांग्रेस में जाने वाले हैं? कांग्रेस में जाने वाले हैं या कांग्रेस का प्रचार करेंगे? कांग्रेस आपको एक विश्वास दिलाते, भारी बहुमत से कांग्रेस मध्य प्रदेश में आ रही है, एक जिले में नहीं, हर उसमें प्रांत में उसमें आएगी। और भाजपा का तो बिल्कुल हालत बुरी गंभीर है, इनकी 50-52 सीटें से ज्यादा नहीं आएंगी। नहीं, आप क्या कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं या उसके लिए प्रचार ज्वाइन करें या नहीं करें वो एक अलग बात है, नेतन के ऊपर है, देखेंगे हम। हमारे प्रियंका का क्या है कि हमारा राजीव गांधी का उसमें जो है, अर्जुन सिंह ने संदेश पढ़ के सुनाया था उसमें मंच पे भिंड, तो हम तो राजीव गांधी के उसमें प्रेरणा से समर्पण हुआ, तो उन्हें हमारे उसके प्रेरणा से, उनकी वजह से हमारी 100 बीघा जमीन मंदिर से लगी जिला भिंड में। जो आज राजीव गांधी उस वक्त नहीं होते तो अर्जुन सिंह अकेले जमीन नहीं लगा पाते, तो राजीव गांधी ने हमें बधाई पत्र भी दिया था जब प्रधानमंत्री बने थे। तो मेरा मतलब है तो हम उसको पूरा, हम भाजपा का प्रचार नहीं करेंगे, बहरहाल जितना होगा कांग्रेस जोन करें या न करें, मैं भाजपा का प्रचार नहीं करेंगे। दूसरा क्या, अगर पार्टी कांग्रेस आपको टिकट देती है, जैसा कि आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो क्या चुनाव लड़ेंगे? नहीं, पार्टी ने कभी टिकट नहीं दिया, भाजपा ने कोई टिकट, निर्दलीय लड़े थे आप, भाजपा निर्दलीय लड़े हैं, इनकी गुस्सा की वजह से ये भाजपा तो काम मतलब झंडा लिए फिर हो इनके साथ में, ये बहुत बड़े माफिया हैं जो बहुत बड़े बेईमान हैं। तो आपका मन है चुनाव लड़ने? नहीं नहीं, चुनाव ना होगा मेरा कोई मूठ नहीं है, हमारे एक चुनाव का नहीं, चुनाव लड़ने से, विधायक बनने से कोई वो नहीं बन जाता कि हमारा कोई नाम होगा, मेरा जो कुछ है सब ठीक ही है, चुनाव का नहीं, हम अपनी जनता की सेवा और भाव से करना चाहते हैं। हमारे हमको दुख होता है कि बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ये हमने 15 साल के जीवन में अपने जीवन में चंबल घाटी पे कभी नहीं देखा जो आज बलात्कार हो रहा है, ये कभी नहीं देखा मैंने। मैंने कहा था कि साले कोई गुंडा अगर नहीं रहेगा जो एरिया में, अगर किसी बैंड के साथ में हाथ लगा दिया गंदे, काट के छोड़ हाथ काट देंगे, क्या याद रखिए आप। आज देखिए ग्वालियर की हालत देखो, पूरे देश के देखो, भारत भाजपा की सरकार 20 साल से बलात्कार बंद ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कमी है?
आप देख सकते हैं बागी मलखान सिंह जी हैं, और जैसा कि अभी कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी की आम सभा है उसमें वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस की सदस्यता लेंगे या नहीं लेंगे ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि शिवराज सरकार की जो नीतियां हैं उससे वो नाराज हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।